तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जलेबी मोर और यहाँ से चलेंगे घंटाघर, वहाँ पे देखेंगे होलसेल मार्केट कहाँ पर है, सारा कोई दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहिएगा वीडियो को। और फाइनली हम लोग का टोटो आ चुका है, हम लोग टोटो में बैठेंगे और चलेंगे यहाँ से घंटाघर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं, साथ में है जाकिर भाई, चलेंगे वहाँ पे घंटाघर और वहाँ पे पता करेंगे कि होलसेल का मार्केट कहाँ पर है, तो दिखाऊंगा आप लोगों को, तो देखते रहे वीडियो को कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं घंटाघर होलसेल मार्केट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग भी होलसेल रेट पर माल को ख़रीद के दुकान में बेच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं इसमें से। तो दोस्तों यहाँ पर सभी तरह का कपड़ा मिल जाएगा, बच्चे का, बड़े का और लेडीज़ का भी, लेडीज़ बच्चे का भी, तो सभी तरह का यहाँ पर कपड़ा अवेलेबल है, तो आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, लाइक टी शर्ट, पैजामी एंड सभी तरीके का कपड़ा यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ख़रीद करके अपने दुकान में बेच सकते हैं या फिर कहीं पर भी बेच सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो यह है घंटाघर का होलसेल मार्केट, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को गांधीनगर का मार्केट, वहाँ का भी रेट पता करेंगे कि कैसा रेट है, क्या क्या हिसाब से माल मिलता है, और इसमें सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आगे भी देखने को मिलता रहे। तो चलेगा इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे।
दोस्तों यह है पूरा घंटाघर का होलसेल मार्केट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जींस पैंट और शर्ट और बच्चे का भी सामान। तो दोस्तों लगभग यहाँ सभी सामान अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा मार्केट का वीडियो। तो चाहे जूता चप्पल हो या फिर जींस पैंट बच्चों का, बड़े का या फिर लेडीज़ कपड़ा, तो आप यहाँ से सभी सामान यहाँ से होलसेल रेट पर ले सकते हैं अपने दुकान में बेचने के लिए। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे मैं दिखाऊंगा कि गांधीनगर का प्राइस कैसा है और वहाँ का मार्केट कैसा है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों फाइनली हम लोग पूरा घंटाघर घूम चुके हैं, मार्केट का भी वीडियो वीडियो देख लिए हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देखा पूरा होलसेल मार्केट, आप वहां से ख़रीद भी सकते हैं। ये घंटाघर का मार्केट था पूरा और ये है माता रानी चौक। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पूरा मार्केटिंग घूम चुके हैं, अब जा रहा हूँ यहाँ से गांधी मार्केट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ से चलूँगा गांधी मार्केट से, दिखाता हूँ वहाँ का सीन। वहाँ पर भी होलसेल में माल मिलता है, दिखाऊँगा सारा दुकान और पूरा मार्केट। तो देखते रहे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों यह है गांधीनगर का रास्ता, मेन रास्ता, इसके अंदर है पूरा मार्केट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। टी शर्ट है, पजामा शर्ट है। हाँ जी, ये लगा सा। सारे बच्चों की 110 स्टार्टिंग है, 110 हो गया, 145 हो गया, 170 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। क्वालिटी के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से रेट बढ़ता है। एक सौ 170 मेगा पीस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पूरा मार्केट घूम चुके हैं, अब आए हैं, थोड़ा भूख लग गया है पैदल चल चल के, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो जागीर भैया भी लेने गया है समोसा, तो समोसा लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे कमरा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे।
एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि संडे को मैं गया था लुधियाना का घंटाघर मार्केट, जहाँ पर होलसेल रेट पर कपड़े मिलते हैं अब, और आप वहाँ से ख़रीद करके कहीं पर भी बेच सकते हैं, अच्छा मतलब कि प्राइस में मिल जाता है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई लेना चाहता है लुधियाना से तो घंटाघर मार्केट जाए, गांधीनगर मार्केट जाए, और एक मार्केट और है, अभी मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाया हूँ बट जाऊँगा तो बहुत जल्दी वहाँ का भी ब्लॉग आ जाएगा, जगह का नाम है फिलगंज, तो गया नहीं हूँ, जब भी जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग आ जाएगा, आप वहाँ से भी होलसेल रेट पर कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको कोई भी मेरा आने वाला वीडियो मिस ना हो आपसे। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, जैसे कि हम लोग गए थे घंटाघर मार्केट, तो वहाँ पे होलसेल रेट जो पता किए तो मुझे अच्छा लगा, प्राइस भी वहाँ का और गांधीनगर का भी, जैसे कि आप लोगों ने दोनों जगह का वीडियो देख ही लिया होगा, तो अच्छा लगा मुझे, रेट वेट लगभग ठीक था, कपड़े भी लगभग वो भी ठीक था, तो आप वहाँ से ख़रीद करके बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है वहाँ से। सो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को देख लिया, यह है मैं आज का वीडियो, जो अभी वाला वीडियो देख रहे हैं, तो ये सोमवार को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया था, तो इसीलिए आज जो इसको पूरा कर रहा हूँ। सो गाइस, तो पूरा वीडियो को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि लुधियाना में होलसेल रेट पर कपड़े मिलते हैं घंटाघर और गांधीनगर मार्केट में, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।